एक जुलाई और दो जुलाई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन दो दिनों के राशि फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनने वाले हैं किस तरह से इस महीने की शुरुआत आपके लिए रहेगी क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी और किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है क्या उपाय आप कर सकते हैं तो ये सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलने वाली है इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र और योग के बारे में हम बात कर लेते हैं एक जुलाई का दिन सोमवार का दिन है सोमवार के दिन से सप्ताह की शुरुआत हो रही है और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह से लगेगी दस बजकर छब्बीस मिनट से भरणी नक्षत्र रहेगा और सुकर्मा नाम का योग बनेगा चंद्रमा मेष राशि में है मंगल के साथ धन योग बना हुआ है सूर्य मिथुन राशि में है आद्र नक्षत्र में और इस दिन का जो राहु काल का समय है ये वो समय है जिस समय अवधि में आपको कोई नया कार्य शुभ कार्य नहीं करना चाहिए वो समय रहेगा सुबह सात बजकर ग्यारह मिनट से आठ बजकर छप्पन मिनट तक अब दो जुलाई का दिन तो ये देखिए एकादशी तिथि सुबह आठ बजकर बयालीस मिनट तक है अब अगर आप ये कन्फ्यूज हैं कि एकादशी तिथि कब होगी तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कृतिका नक्षत्र रहेगा इस दिन और धृति नाम का योग और शूल नाम का योग बनेगा चंद्रमा सुबह को ही राशि बदलकर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे जहां गुरु बृहस्पति मौजूद हैं गुरु बृहस्पति के साथ युति होगी तो क्या होगा गजकेसरी राजयोग बन जाएगा जो बेहद शुभ राजयोग माना जाता है गज की ताकत रखने वाला और अगर शुभ आपके भाव में बना है तो अच्छे रिजल्ट भी देगा सूर्य मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में है अब योगों की अगर आप देखें तो देखिए इस एकादशी तिथि के दिन और भी कई योगों का निर्माण हुआ है पहला तो इस दिन गजकेसरी योग था ही दूसरा इस दिन त्रिपुष्कर योग बन जाएगा जो अगले दिन तक रहेगा और इस दिन बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग जो अगले दिन तक रहेगा अब इस दिन के जो राहु काल का समय है वो है शाम को तीन बजकर चौवन मिनट से पाँच बजकर उनतालीस मिनट तक ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति तो चलिए पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि एकादशी तिथि आपको कब मनानी है तो एकादशी तिथि शुरू होगी एक जुलाई की सुबह दस बजकर छब्बीस और अगले दिन दो जुलाई यानी कि दो जुलाई तक सुबह आठ बजकर चौतीस मिनट पर यह समाप्त हो जाएगी लेकिन जो व्रत रखा जाएगा वो दो जुलाई को ही रखा जाएगा इस एकादशी का व्रत अब इस दिन संयोग बहुत अच्छे बनेंगे तो राशि फल के बारे में जाने तो सबसे पहले एक जुलाई की बात करेंगे एक जुलाई का दिन अगर आप देखें तो हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे पुरानी कुछ बातें हों वो मन में कलेश कर दें और उससे क्या होगा मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो वैसे ही किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो मन में शांति रहेगी और व्यापारियों के लिए मैं जरूर कहूँगी कि इस राशि के आज जो व्यापारी हैं ना उनको सहयोगी आज मिलने वाले हैं और अगर नौकरी के लिए आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आप देकर बैठे हुए हैं तो सफलता मिलने के संकेत आपके लिए बहुत अच्छे बने हैं आप अगर किसी स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं कोई कंपटीशन वगैरह है तो वहाँ आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो मेहनत से पीछे ना हटें थोड़ा से प्रैक्टिस बहुत अधिक करते रहें तो अच्छा रहेगा नौकरी कर रहे हैं नौकरी में आपको अपनी मनचाही जगह पर तबादला हो सकता है यानी कि बदलाव के संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और आपकी मनपसंद चीज़ें होने वाली हैं रचनात्मक कार्यों या सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता लोगों को प्रभावित करेगी प्रेरित करेगी जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं अध्ययन संबंधी कार्य में व्यस्त रहेंगे आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँगी काफ़ी व्यस्तता भरा जाएगा मजदूर वर्ग की मैं बात करूं अगर आप रोजगार नहीं आपको मिल रहा था तो आज जो आपको रोजगार जरूर मिलेगा मजदूर वर्ग की मैं बात कर रही हूं कोर्ट कचहरी में अगर आपके मामले हैं तो वहां भी विघ्न दूर होता हुआ दिख रहा है और राजनीति के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं राजनीति के फील्ड से हैं उनके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने का योग है यानी उनके लिए कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल सकती है जिस भी पर आप हैं उस के अनुसार परिवार में कोई ऐसी घटना घटेगी जो सुखद होगी सुखद घटना घटने का योग है ससुराल पक्ष से किसी तरह का इनविटेशन मिल सकता है बुलावा आ सकता है और व्यापार करने वाले लोगों के लिए ब्याज यात्रा का योग भी है ये यात्रा आपके व्यापार के सिलसिले में होगी जो विशेष रूप से सफलता देने वाली आपके लिए होने वाली है तुला राशि के जातक कॉन्फिडेंट तो रहेंगे अपनी बात को लेकर साथ में थोड़ा खर्चा भी दिख रहा है थर, खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करें और ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाएं दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं सिंगल जातकों के लिए आज कुछ खास होने वाला है खास लोगों के साथ आज थोड़ा सा आप दिन बिता सकते हैं दूसरों की सलाह माने दूसरों की सलाह जरूर सुने दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी शाम को थोड़ा सा खर्चा दिख रहा है घर में वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ धन संपत्ति के मामले में ठीक ठाक रहेगी अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे थे तो आज आपको राहत महसूस होगी और इस समय जीवन साथी से पूछे बिना कोई भी योजना ना बनाएं इस चीज़ का ध्यान रखें वरना उनकी तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखें और इस दिन ग्रे कलर आपके लिए काफी भाग्यशाली दिख रहा है ग्रे कलर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इस एक जुलाई के दिन तो ये दिन मैं कहूँगी काफी ज्यादा अनुकूल आपके लिए है चलिए अब बात करते हैं दो जुलाई के बारे में सबसे पहली चीज है ये एकादशी तिथि है योगनी एकादशी गज केसरी योग सर्वार्थ सिद्धि योग त्रिपुष्कर योग में आई है इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें दिन की शुरुआत में और माँ लक्ष्मी की आराधना करें पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें बहुत पावरफुल मंत्र है और इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो वृषभ राशि में है बहुत शानदार दिन है पूरा आनंद लें इस दिन का आपकी भावनाएं भी स्थिर रहेंगी आप जान पाएंगे कि आपके पास कल्याण और भलाई करने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर भावना है और ये भावना बहुत अच्छी है आपका अपने ऊपर विश्वास रहेगा कॉन्फिडेंट रहेंगे आप आपका जो संचार कौशल है वो अच्छा रहेगा यानी बोलने की कला जो है वो बहुत अच्छी रहेगी इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें अपने काम में उपयोग करें अपने प्रियजनों की संगति में अच्छा समय बिता पाएंगे अच्छे पलों का लुत्फ आप उठा पाएंगे परियोजनाओं को देखिए समय पर पूरा करना कई बार कठिन हो जाता है लेकिन आपको बस ध्यान देना है कि आपके पास जो काम है उनको सही समय पर आपको पूरा करना है और उन्हें संगठित करने के लिए आपको जो करना पड़े वो भी आप करें आज का दिन संपत्ति शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए शुभ है अगर आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अपनी नज़रें बनाकर रखें और सही विकल्प और सही अवसर आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं थोड़े लंबे समय का निवेश करें तो वो आपको अच्छे लाभ देगा और अपनी नज़रों को बिल्कुल बना कर रखें आप प्रेम जीवन ठीक ठाक है आज उमंगों भरी जिंदगी आपको रहेगी जिंदगी का सफर काफ़ी अच्छा रहेगा सुहाना लगेगा अपने प्रेम का इजहार अपने साथी के समक्ष जरूर करें चाहे आप प्रेम जीवन में हैं चाहे आप विवाहित हैं देखिए प्रेम का इजहार करना सभी के लिए अच्छा है क्योंकि जब तक आप अपने मन की बातों को जाहिर नहीं करेंगे तब तक क्या फ़ायदा तो जाहिर करना सीखें समय समय पर जाहिर करते रहें ताकि सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो सके कि हाँ कितनी ज़्यादा आप आ, आपकी केयर करता है आप केयर करते हैं आप उन्हें सरप्राइज़ दे सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा डिनर प्लान कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा दिन ये बीतेगा अच्छे से इंजॉय करें चैनल को सब्सक्राइब करें